सोलन में जिला प्रशासन कोरोना को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न कार्रवाई अमल में ला रहा है। मास्क न पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। शादियों पर ज्यादा संख्या में लोग एकत्र न हो, इसके लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के कई रेड टीमें भी बनाई गई हैं, जो विवाह शादियों में जाकर जांच भी कर रही हैं। उपायुक्त एसपी सोलन के साथ जाकर बाजारों में भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन हद तो इस बात की है कि अभी तक सोलन शहरवासी जिला प्रशासन की सभी बातों को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। यही कारण है कि सोलन में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो लोग केवल संक्रमण से बीमार हो रहे थे, लेकिन अब तो मौतें भी होने लगी हैं। शहरवासियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जब जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, तो बता रही है कि मास्क डालना बेहद जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना अति आवश्यक है। इसके लिए जिला प्रशासन की टीम में बाजार में भी घूम रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। यही कारण है कि शहर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब तो लोगों की जानें भी जाने लगी हैं। तो इसलिए अब लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और जो भी नियम प्रदेश सरकार बता रही है उनका अनुसरण करना पड़ेगा, तभी हम कोरोना पर अंकुश लगा सकते हैं। जिला प्रशासन अपने स्तर पर कुछ भी नहीं कर सकता, जनता का साथ मिलना बेहद जरूरी है। मेरा ये मानना है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को ऐसा डीसी हमारे शहर को प्रोवाइड किया गया है, जो कि हमारे बारे में सोचते हैं कि चलो कोई बीमारी ना फैले। आपको पता है कि कितना खतरनाक कोरोना फैला हुआ है, बीमारी फैली है, जान तक भी जा रही है। अगर परहेज करने मात्र से ठीक हो रहा है तो मेरे हिसाब से मास्क तो लगा ही लेना चाहिए, अपना फ़ायदा भी तो है ना, हम ठीक भी तो हो रहे हैं। अगर हम परहेज लापरवाही बरतते हैं तो इसके जो उसका नुकसान होने वाला है, जो बीमारी जो पकड़ती है, तब जिसको बीमारी हुई है पता उसको है, उसको जाके पूछो कि ये क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत ही मेरे हिसाब से परहेज तो कर ही लेना चाहिए। अब जैसे डीसी खुद बाजार में आए और उन्होंने हज़ार रुपए के चलान भी किए, तो उसके बावजूद भी जैसे लोग नहीं मान रहे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? लोग नहीं मान रहे तो देखो, बात तो हज़ार रुपये की बात नहीं, लोग दे भी देंगे है ना, लेकिन जो उनको इस बीमारी का सामना, जब डीसी साहब खुद सड़कों पर उतरे हैं और वो खुद सड़कों पे आके करना पड़ सकता है, तो वो शायद उनको इस चीज़ का पता नहीं हो, तभी इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लोगों के चलान काट रहे हैं। तो अब तो बहुत ही हाई टाइम है, अब तो लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये बीमारी कितनी फैल चुकी है और कितनी और फैल रही है, और लोगों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मास्क तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा आपको बचाता है अगर आप मास्क प्रॉपरली पहनोगे। लोगों को देखना चाहिए ना कि डीसी साहब खुद सड़क पे उतर रहे हैं, खुद आके वो चालान काट रहे हैं लोगों के, तो तब भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो फिर तो वो तो अब क्या करें, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तो अब लापरवाही हुई और क्या हुआ।